दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वह अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी खुश होते हैं। महादेव की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट जल्द दूर हो जाते हैं। सभी देवताओं में शंकर भगवान को बहुत ही भोला माना जाता है। महादेव के गले में सांप, सिर पर माँ गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजमान है। इसका जवाब शिव महापुराण में दिया गया है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर क्यों विराजते हैं चंद्रमा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। शिव महापुराण कथा के अनुसार माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय जब हलाल विष निकला था तो सभी देवता और असुर परेशान हो गए थे। ऐसे में सृष्टि की रक्षा के हेतु भगवान शिव ने हलाल विष को पी लिया था। इसे पीने के बाद से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के अधिक प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर गर्म होने लगा, जिसे देखकर सभी देवता परेशान हो गए। सभी देवता सोचने लगे कि आखिर महादेव को गर्मी से राहत कैसे दिलाई जाए। उसके बाद सभी देवता चंद्रदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की वह शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो जाए, जिसे उनकी शीतलता के प्रभाव से विष की गर्मी को शांत किया जा सके। चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। देवताओं के आग्रह पर महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वही और एक अन्य कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी और उन्होंने सभी का विवाह चंद्रमा से किया था। इस दौरान दक्ष राजा ने यह शर्त रखी थी वह सभी अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे, किंतु चंद्र देवता रोहिणी के सबसे करीब थे। इस बात से दुखी होकर बाकी सभी पत्नियों ने राजा दक्ष से इसकी शिकायत की, जिसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, जिस कारण वह क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिस कारण चंद्रमा के सभी कलाएं समाप्त हो गई। चंद्रमा को बचाने के लिए नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। चंद्रदेव के भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए, जिसके बाद पूर्णमासी के दिन वह अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। इस दौरान चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना की वह उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर ले। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर विराजमान है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।